ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये वो लेसन है जो हमें स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया। ये वो खबर है जो न्यूज चैनलों ने चलाई नहीं थी। ये वो हेडलाइन है जो अखबारों ने छापी नहीं थी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म जो कश्मीरी पंडितों के दर्द और उन पर हुए अत्याचार को बयान करती है, ऐसी फिल्म को टेलीविजन के किसी भी बड़े शो ने प्रमोट नहीं किया। इस सूची में द कपिल शर्मा शो भी शामिल है, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई। लेकिन अब एक घटना सामने आ रही है जिसने सबको हैरान कर दिया। सिनेमा घरों में जाकर या ऑनलाइन अगर इस फिल्म की टिकट बुक करते हैं तो कई जगहों पर हाउसफुल दिखाया जा रहा है, ऐसा कई सिनेमा घरों में पाया गया है। लेकिन जब कुछ लोगों ने सिनेमा के अंदर देखा तो सभी कुर्सियां खाली थी, जिसके बाद लोगों ने सिनेमा वालों से पूछा तो वो भागते हुए नजर आए। सिनेमा घरों में ये पिक्चर तो है लेकिन इसके पोस्टर गायब है। न जाने कौन वो लोग है जो इस फिल्म को ज्यादा लोगों तक पहुँचने नहीं देना चाहते। इन सब मुश्किलों के बाद भी इस फिल्म ने 3 दिनों में 31 करोड़ की कमाई कर ली है। इस फिल्म में एक करेक्टर ऐसा है जो आज की जनरेशन को दर्शाता है, जो किसी की बातों में आकर गलत राह और गलत लोगों के पीछे लगकर कश्मीर की आजादी के नारे लगाने लगते हैं। ऐसे ही कंफ्यूज्ड लोगों से ये फिल्म छुपाई जा रही है, क्योंकि अगर वो ये फिल्म देख लेते हैं तो उनके ज्ञान और इतिहास पर जो धूल जमी है वो साफ हो जाएगी। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सिनेमा घरों पर जाकर इस फिल्म को देखें और दूसरे लोगों को भी दिखाएं।